धन सब लाइट वगैरह। देखो यहाँ से क्या दिखता है। यस दिस इज आवर प्राइवेट बेल्कनी विद द हट। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर सेंटोरिनी ब्लॉग। आज हम लोग का दिन और अभी हम लोग मॉर्निंग के टाइम आ गए हैं। और आप देखो मॉर्निंग का व्यू कितना ब्यूटीफुल है। और वो देखो लड़की फोटोशूट कर रही है वहाँ पे डाउन टाइम पे। तो आज का दिन यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज द बेल टावर। In front of the bell tower, it's gold and silver jewelry store. और कितना भीड़ है, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं हर एक दिन। फोटो का सेक्शन में तो वीडियो करने भूल गए। हाँ आज तो कुछ भी वीडियो नहीं किए। कितना मस्त शॉपिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फीरा में भी। हाँ या इज कॉस्टली बट सेम मटेरियल ही मिलता है क्योंकि मैंने जो ड्रेस पहना है मैंने यहाँ पे भी देखा था। और यहाँ पे ये मैं आई थिंक मॉर्निंग को बहुत अच्छा फोटो आता है। तो यहाँ पे अभी हर एक जगह पे इंस्टा का लाइन बना हुआ है। आई मीन इंस्टाग्राम फोटोज का, लाइक जहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छा फोटो आता है वहाँ पे लंबा लंबा क्यू था। और रात के टाइम पे इतना अच्छा व्यू नहीं आता है, सनलाइट में फोटो अच्छा आता है। तो सब लोग अभी क्यू बने हुए थे तो हम लोग ने तो किसी भी क्यू में नहीं लगे। हम लोग पोस्ट कार्ड में स्टाम्प लगा रहे हैं, एक हमारे लिटिल क्रिश के लिए और एक हम लोगों के लिए। ये जो मेरे इस नॉट चाइनीज मेड क्रिश यहाँ का ओरिजिनल स्टाम्प है। क्रिश अगर तुमको ये इफ यू गेट दिस पोस्ट कार्ड प्लीज कमेंट अस। ओह ही इज आल्सो हैविंग हिज ओन चैनल राइट। अभी हम लोग किया से निकल रहे हैं और अभी कहाँ जाएंगे? ओके अभी होटल चल। ओके सो अभी हम लोग का न्यू होटल में चेक इन है तो अभी जाएंगे वहाँ पे वाइन म्यूजियम। यहाँ से कितना दूर है देखते, अगर पास में होगा तो वाइन म्यूजियम चलते हैं। एंड ऑल्सो हैव टू सी वाइन म्यूजियम में कितना टाइम लगता है। तो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू किया। आई डोंट नो हम लोग फिर दोबारा आएंगे भी कि नहीं। आएंगे क्या देखते? ओके देखते अगर, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है, आने का तो बहुत ही मन है बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हमेशा आप ग्रीस आते रहो। इससे अच्छा है कि आप दूसरे कंट्री एक्सप्लोर करो, है ना? क्योंकि एक बार तो देख लिए और वीडियो भी कैप्चर कर लिए, सब कुछ होगा। जब मन करेगा हम लोग यूट्यूब खोल के वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग वाइनरी जाते हैं कि न्यू होटल में जाते हैं, क्योंकि हम लोग का न्यू होटल भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो लेट्स सी। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं। सो वी केम टू आवर होटल। अभी यहाँ पे हम लगेज रखेंगे एंड ब्रेकफास्ट करके हम लोग डायरेक्ट वाइन म्यूजियम के लिए निकल जाएंगे। ग्रीक फेमस सलाद, हर एक चीज़ में वो लोग फेटा चीज देते हैं। ये ग्रीक का स्पेशलिटी है ना ये चीज। सो वाइन म्यूजियम पहुंच गए हम और उन लोग देखिए एंट्रेंस में दिखा रहे वाइन बनाने का प्रोसेस। एंड
एंड या यहाँ पे एंट्री चार्ज लगता है और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी है लाइक ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वाइन टूर के अंदर है हाँ कितना मीटर नीचे है ये वाला 65 steps हम लोगों को यहाँ पे ऑडियो गाइड मिला हुआ है तो हर एक जगह पे कुछ एक नंबर आएगा तो नंबर प्रेस करने से हम लोग को पता चलेगा आई पे नंबर 1 है तो मैं नंबर 1 पे प्रेस करूँगी ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस वाइनरी एडवांस एज का टूल्स हैं मतलब हाँ 1880 हाँ मतलब हम लोग शुरू किए थे कितने 1600 में थोड़ा सा मॉडर्न वाला और एक्चुअली ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन दिखाया है डिफरेंट जनरेशन में कैसे चेंज हुआ है उसका प्रोसेस बनाना वाइन बनाने का इंटरेस्टिंग लुक हियर यहाँ पे लिखा हुआ है रेड वाइन का बेनिफिट्स फर्स्ट वन देखो नंबर 1 पे लिखा हुआ है इट हेल्प्स यू लूज वेट वाइन पीना शुरू करो हाँ तो जिनको भी वेट लूज करना है इट मींस कि वाइन पीना शुरू करो जोक्स अपार्ट कोलेस्ट्रॉल गुड फॉर हार्ट दिस इज ग्रीक कॉस्ट्यूम सो हियर इट इज रिटन 17th सेंचुरी में कैसे लोग ड्रेसअप करते थे तो हम लोगों को 4 टाइप्स का वाइन मिला है टेस्ट करने के लिए और हम लोगों ने एक डार्क चॉकलेट भी दिया है ताकि थोड़ा डिफरेंस समझ में आए विच इज़ नाइस तो हम लोगों का वाइन म्यूजियम टूर ख़त्म हो गया है और मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा लाइक 14 यूरो से लाइक ये म्यूजियम देखना वो भी सेंटोरिनी में आके नॉट वर्थ इट पहुंच गए हम पेरिसा बीच हम लोग अभी पेरिसा बीच में आए हैं और पेरिसा बीच सेंटोरिनी का अब तक का बेस्ट बीच है फॉर स्विमिंग तुमको ये लगता है कि नहीं मुझे तो अब तक का सही बीच लगा है लाइक क्योंकि यहाँ पे बीच सैंडी नहीं है यहाँ पे थोड़ा रॉकी बीच है और नहाना थोड़ा सा मुश्किल है बट दिस वन इज़ प्रिटी ओके तो हम लोग का आज लास्ट डे है थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है क्योंकि सेंटोरिनी इतना अच्छा जगह है दोबारा आई डोंट नो कब आएंगे आएंगे भी कि नहीं तो या लेट्स सी अभी जाएंगे और अपना रूम टूर भी देंगे आप लोगों को बताना आप लोग को कौन सा रूम अब तक सबसे बेस्ट लगा और रात को फिर से फिरा में डिनर करेंगे एंड देन वॉच पैकिंग एंड गोइंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ है ना यहाँ तो आप लोग को एक बार सी व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का बहुत ही क्लियर वाटर है लाइक ब्लू एकदम भी बहुत ही अच्छा सेटअप बना हुआ है शेक में बैठ के आराम से सनबाथ लेने का अभी हम लोग स्कूटी भी वापस करने आ गए हैं ख़त्म हम लोग का सेंटोरिनी और स्कूटी थी बट स्कूटी में बहुत मज़ा आया और बहुत एफोर्डेबल भी है आप स्कूटी में घूमोगे यहाँ पे तो पर डे वो लोग 35 यूरो चार्ज करते हैं और वैसे आपके कैब लोगे तो कहीं भी जाओगे तो 1 टाइम पे वो लोग 25 to 30 यूरो चार्ज करते हैं तो या कैब इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव हियर है हम लोग रूम वापस आ गए और अभी वाला रूम भी बहुत अच्छा मिला है मैं एक बार आप लोग को रूम टूर देती हूँ तो इट्स लाइक यहाँ से स्टार्ट होता है देन दिस इज द मेन डोर सब लाइट वगैरह ओके तो दिस इज द लिविंग हॉल यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा एक डाइनिंग एरिया बना हुआ है एंड दिस इज काइंड ऑफ कॉफी कॉर्नर हॉल ओके एंड यहाँ पे एक टॉयलेट है This is our room for one day. Yay! Room bhi kaafi acha hai. Okay, this is the bathroom. Nice.
आई डोंट नो व्हेयर इज द लाइट. काफी सारा कवर्ड है रूम में. एंड देखो यहाँ से क्या दिखता है. यस दिस इज आवर प्राइवेट बेल्कनी विद द हट. Wow. Look at the view. It's amazing. The best part is the view. जकूजी में कितना एंजॉय कर रहे हो? मजे से जकूजी में बैठ के कॉफी पी रहे हो? वाओ. बालकनी में ऐसे ही जकूजी होना चाहिए. और बीच तो कितना अच्छा लग रहा है. रात के टाइम तो और नहीं दिखेगा ये बीच. वहाँ पे भी अच्छा व्यू है. यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है. आज हमारा लास्ट नाइट है पीरा में. तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने. लास्ट नाइट थोड़ा सा पीरा मार्केट आप लोग को दिखाती हूँ. फिर क्या, फिर पता नहीं. और मैं नेक्स्ट व्लॉगिंग कब करूँगी, कब घूमने जाऊँगी तब करूँगी. बहुत घूम लिया आई थिंक. अभी हम लोग को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, है ना. तुम कुछ नहीं बोलोगे? आज का दिन कैसा था तुम्हारा? और रूम कैसा लगा? Awesome. बट तुमको पता है मुझे ये वाला रूम से ज़्यादा पहले वाला रूम अच्छा लगा था. और पहले वाला रूम जस्ट हम लोग के सामने ही है. या दिस वन. हम लोग फर्स्ट डे को इस विला में रुके थे. अभी कोई और घुसी है देखिए इस विला में. हम लोग को रूम नहीं मिला था इसलिए ये वाला लेना पड़ा. हाँ इसका बेल्कनी बेटर है. व्यू भी बहुत ही बेटर है. और हम लोग लास्ट दो दिन जहाँ पे रुके थे वहाँ पे तो हम लोग बस सोने के लिए आए थे. क्योंकि हम लोग सुबह उठते थे, निकल जाते थे, रात को आते थे, फिर सो जाते थे. घूमने आने से आई थिंक मेरा फोन ओके. मैं ये बोल रही थी कि अगर घूमने आते हैं ना तो महंगा होटल लेने का कोई फायदा ही नहीं है. क्योंकि घूमने आने से लोग घूमते ही है अदर देन हनीमून. क्योंकि लोग जो लोग हनीमून में आते हैं उन लोग को वो लोग शायद अच्छा रूम लेते हैं. लास्ट नाइट इन पीरा टाउन. यहाँ पे लाइक हम लोग 4 डे हो गया है जब से देख रहे हैं. रात को 10 बजे के बाद सब निकलते हैं. उसके पहले आप आओगे तो पूरा खाली रहता है पूरा टाउन. जैसे ही 10 o'clock होता है 10 o'clock से आई गेस पूरे रात लोग पार्टी करते हैं. बहुत सारा क्लब्स भी है, बहुत सारा रेस्टोरेंट्स है. और बहुत सारे रेस्टोरेंट में लिखा भी हुआ है 24/7 आवर ओपन. तो चलो आज पीरा नाइट आप लोग को दिखाते हैं कैसा है. बहुत ही मस्त है. यहाँ से शुरू होता है एंट्रेंस. और देखिए पीरा में शॉपिंग करने के लिए बहुत ही मस्त ऑप्शन है. यहाँ पे शॉप मतलब कोई अगर आते हो तो शॉपिंग के लिए ज़रूर बैग में जगह बचा के ला दें. क्योंकि आप आओगे तो बहुत शॉपिंग करोगे, है ना. हाँ शॉपिंग के लिए तो इतना ऑप्शन है. देखो एवरीवेयर ओनली शॉप. ये लेन देखिए पूरे फ्लावर्स है. तुम मत देखो, मैं तो व्यूअर्स को बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स को बोल रही हूँ. तुम तो बहुत बार देख चुके हो ना. फिर से आ गया शॉपिंग स्टोर. कुछ कुछ शॉपिंग स्टोर तो इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है. आज क्या खरीद रहे? आज तो मेरा पति मुझे बहुत कुछ खरीद के देने वाला है, है ना. है ना पति? हाँ कि ना कुछ तो बोलो. देखो ज्वेलरी है, खरीद के दोगे? तो ज्वेलरी पसंद ही नहीं है. नहीं मुझे पसंद है, तुम खरीद के दोगे तो सब पसंद है. मना कर दिया तो इसलिए हम लोग चेक करके बता दिया. सेंचुरी में इतना सारा ज्वेलरी शॉप है. और यहाँ क्लबिंग एरिया है. और क्लबिंग एरिया में विदाउट वैक्सीन नो एंट्री. तो सब लोग वेट कर रहे हैं. ये देखो सब व्हाइट गाउन. मैंने देखो ये शूज कैसे रखा है. वाओ. सोच रहे इस रेस्टोरेंट में जाने का क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूजिक हो रहा है. अब देखते हैं अंदर सीट है कि नहीं. हम लोग एक इतने
बड़े अच्छे जगह पे आके बैठे हैं और यहाँ पे लाइव म्यूजिक हो रहा है पीछे और व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल। कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा प्लेस है ना, देखो यहाँ से पूरा क्या ऑर्डर किया बेबी? ये ब्रुशेटा विद एरोमा टोमेटो एंड सर्डिंग्स ऑन द टॉप। वाओ, एंड व्हाट इज दिस वन? दिस इज चिकन फिलेट। आई होप इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी नाइसली सर्व्ड। वाओ, दिखाओ अपना फेस एक्साइटमेंट लेवल का। यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी के शॉप है, ऑपोजिट में भी है। स्टूडेंट का नाम पता है क्या है? कालिया। कालिया पता नहीं उन लोगों के वार्ड में कुछ होता होगा शायद, है ना? बट ये रेस्टोरेंट का ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। अगेन शॉपिंग स्ट्रीट, सुवेनियर शॉप। सेव वाटर ड्रिंक वाइन। सेव वाटर ड्रिंक वाइन, नाइस कॉन्सेप्ट। ग्रीक जलाटो बहुत ही फेमस है। तो ये है हम लोगों के ट्रिप का लास्ट आइसक्रीम। ये चल आइसक्रीम, ये जलाटो है जो कि ग्रीक में बहुत फेमस है। तो जलाटो के साथ मैं अपना वीडियो ये एंड करती हूँ और पीछे बहुत अच्छा म्यूजिक हो रहा है, एंड करके थोड़ा म्यूजिक सुनूंगी फिर जाके सो जाऊंगी। तो बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज आ गया वो दिन, सैड वाला दिन जब हम लोग को जाना है। तो हाँ, अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। तो या आई एम गोइंग टू मिस दिस जकूजी स्पेशली, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बस स्टिल आई एम गोइंग टू मिस इट। तो चलते हैं रोटरडम और फिर से अगर कुछ नया करते हैं तो आप लोगों से फिर मिलते हैं। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारा सेंट्रोनी ब्लॉग कैसा लगा। बाय।